वो मौसी को भी करो, चलो वहाँ जाओ सिखा दे, ये वीडियो डाल रखो इस बड़ी यहाँ ही वाली मौसी को। ये नहीं, ये भी नहीं है मौसी, ये भी नहीं है मौसी। करो करो जल्दी करो। तो ये एक चाचा का घर है हमारे, यहाँ पे हम लोग अभी बैठने के लिए आए हैं, इनकी बहू आई है तो हम लोग उससे मिल रहे हैं। कितना सुंदर घर बनाया चाचा ने, बिल्कुल लेपन डाल के देहरी बनाई है। ये देखिए नक्काशी, पुरानी नक्काशी का जोरदार नमूना है। सब अपने भाई लोग हैं, अच्छा लग रहा है अपने गांव के लोगों के बीच में। हम लोग बुआ लोगों के घर के अंदर आ गए हैं, तो देखो बुआ ने इतना सुंदर मंदिर का कमरा बना रखा है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर का कमरा बना रखा है। मेरे माता की भगवती तू देणी है जाए, कुशल मंगल मेरा स्वामी धर दी, नगर निशान लू लो देवी मैं तेरा थानु माँ। कितना सुंदर बना रखा है, आहा मजा आ गया। ये है हमारी बुआ। बुआ तो बुआ बन गई है सास, बहुत अच्छी बहू आई है आपकी, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। यहाँ भी है एक दोबारा से रेनोवेट किया गया, यहाँ से नीचे को जाते हैं, नीचे से जाओ, किचन है नीचे, चले जाओ इधर से बाहर निकल। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे वो है, यहाँ पर भंडार घर, चोरूम, ये भंडार घर, ये तो गोदाम बना रखा है, सब भंडार घर है। और ये है किचन, वाह, जहाँ पक रही है सब्जी। क्या बना रहे हो आज? आज हम कटहल की सब्जी। ये देखिए ये कटहल डाल दिया है क्या आज? ये आलू की है, इसलिए ये आलू की फूफा जी अपने लिए बना रहे हैं, और ये कटहल कटा हुआ है, क्या बात है। ये कौन है? मामी, मामी है? एक रूम यहाँ है, मजा आ गया पहाड़ों में इस तरह से सुजात सम्राट घर। ठंडा है बेटा यहाँ तो, बहुत ही ठंडा है, ये रूम ठंडा लग रहा है, ये तो बहुत ही ठंडा है यहाँ, ये देखिए ठंड की वजह से यही बना रहा है, नहीं तो अंदर को कितनी गर्मी हो जा रही ना, बहुत ही गर्मी हो रही है, ठंडा लग रहा है। तो कितना सुंदर घर है पहाड़ों में, ऐसा लग रहा है कि हम प्लेन्स में ही हैं, जैसे इसे डेकोरेट कर रखा है, क्या बात है बुआ, मजा आ गया। बुआ जैसे अपनी सुंदर है वैसे घर भी सुंदर बना रखे। तो चलिए अब चलते हैं घर को, क्योंकि शाम भी होने वाली है। बढ़िया बना रखा है, यहाँ पे वॉशरूम का एरिया। आ जा नेहा, ये यहाँ पे गाय के लिए धुआं लगा रखा है, जिससे कि गायों को मच्छर ना लगे। तो देखिए पहाड़ों में गायों की भी इतनी सेवा की जाती है। अंदर गैया है, यहाँ पर है मेडिकल स्टोर, यहाँ पे इनका एक छोटा सा दवा खाना। ये देखिए जब भी किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है, कोई बीमार होता है तो यहीं आता है, ये ऐसे बन गया है। और ऐसा है कुछ व्यू यहाँ से, अब
अब हम वापस जा रहे हैं घर को, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा देखिए बादल, इसलिए फटाफट घर पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको एक घर दिखाती हूँ जिसको हम लोग पोर्ट में कहते हैं, और वो हालांकि बंजर हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पर कोर्ट था, और उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद आज़ादी के बाद वहाँ पर 20 परिवार रहते थे, एक ही बंगला जैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये है कोर्ट, ये बीच गाँव में एक टीले पर है, और कहा जाता है कि यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ये कोर्ट था, और जब आज़ादी मिली तो ये वहाँ पे 20 परिवार रहते थे। अब सब लोग बाहर हैं, पलायन हो चुका है। पोखरी में रोड आ चुकी है, ये पूरा तामानौली तक, आगे तक भी जाने लगी है रोड। ठीक है बुआ, बाय। कैसे चलो ये मामा जी, पीछे चलो मामा जी, कैसे चल रहे हैं? थक गया मेरा बच्चा। ये देखिए, ये गाय के लिए दो बन रहा है। हमारी हमारे बाद हमारा ये मुंगरू है, ये संजूदा का घर है। ये हमारे चाचा हैं। चाचा प्रणाम। और कैसे हैं? सेहत भी रखना क्या? बहुत मजे में बेटा, मैं तो मजे में, सब एवर के लिए मजे में। गाने सुनते हैं हमारे? अरे यो ब्लॉग लोग युवा का लगा, सब्सक्राइब कर रखा तुम्हारा मैंने, करना ये सबके लाइक करते आज। हाँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, उसको भी। निहाल एक सिंगर भी है, ये भी सिंगर हो, और क्या कहते हैं मेरे बक्सर है, जो नॉन स्टॉप हिटर हो, जहाँ पर आदमी गया वो वही हो। मैंने कहा मेरे बेटा रील कहता हूँ, जहाँ हो ना भाभी, मैंने मेरे दादा की लड़की यार, और क्या बोले यार गुरु बड़ी गाय, मैंने कहा मेरे भतीजी है यार, वो सगी भतीजी है मेरी, वहाँ गाँव में रहती है, हल्द्वानी में रहती है, और मैंने कहा ये सिंगर है दूसरी वाली, मैं अच्छा लगता है यू चिल में राधा चिल में नहीं भी जिनके घर में हम खूब खाना वाना खाते थे, रहते भी थे। संजूदा की मम्मी है, जो ब्लॉग में आपने संजूदा देखी उनकी मम्मी है। हमारे ताऊ जी हैं, भाई ताऊ जी, और परसों खेत दिया चौपाता में। साले तो है क्या बू? कल आने में जा गए। मैंने उसमें करता हूँ एक बरात थी ना। मैं हल्द्वानी ज्वाला रुको ले बिस्कुट खोलो ले यार, मेरे सबसे पीछे दशा खराब है, वैसे मेरी दशा खराब है। हम पहुंच गए हैं घर, पहुंच गए हम लोग घर। आंगन में ताऊ जी लोग बैठे हैं, चाचा लोग बैठे हैं। तो मम्मी लोग अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ पे चल रही है मैच। एक संवाद गाते हैं, तुम परशुराम भैया, मैं लक्ष्मण भाई हूँ, ठीक है? आप गाओ लक्ष्मण परशुराम का पाठ। हाँ, कहाँ
मतलब मैं बताऊं तुमको, पहले वो श्लोक होता है बन रहा है। तब्बू रोटी लेके जा रहा है। एक ही प्लेट में लगाओ पहले, एक में दीप दागिन लगा दो, तो फिर लगा ला। यहाँ सब्जी बनी थी। तो खाना वाना खा के हम लोग सो गए हैं। आज हम दोनों वैदुअर में मेरी दादी की चारपाई में सो रहे हैं। इसमें मेरी दादी सोया करती थी। वैदु कैसा लग रहा है आपको? अच्छा यार, आपका यार आराम आ रहा है? तो हम लोग अब आराम करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता की बोलो वैदु। साधु जी। और कल बहुत एक्साइटिंग डे है, क्योंकि कल होने वाला है कुछ अच्छा। नीचे रखो, हाथ नीचे रखो ना। कल बहुत ही एक्साइटिंग है, कल बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो कल भी आप हमारा ब्लॉग देखना ज़रूर भूले नहीं, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद बोलो। धन्यवाद बोलो हमें, हमें सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अपने पैतृक मंदिर में, जो हमारा गंगनाथ बाबा जी का मंदिर है। हम लोग वहां आज जाने वाले हैं। शादी के बाद मैं पहली बार वहां जा रही हूं गोविंद और वैदेही के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं सुबह सुबह क्या क्या हो रहा है घर के अंदर। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि पूजा हो चुकी है और मंदिर में दिया जल चुका है। और यहाँ देखते हैं, नेहा नहा के आ गई है। नेहा चप्पल में पहन के लाया कर यार अंदर। मंदिर है वहां पे, वहां पे गई है तू। और ये नेहा नहा के आ चुकी है। अंकुर मैडम नहा के बैठी हैं। क्या कर रही हैं आप? सोशल मीडिया अपडेट्स। ओके, हाँ ला। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और गोविंद और वैदु अभी सोए हैं, क्योंकि रात हम लोग बहुत लेट सोए। जल्दी दे। तो देखिए, शैम्पू हम लोग ऐसे लेके आए थे अपने लिए। लोग क्या कर रहे हैं अब देखते, किचन में क्या चल रहा है। एक्चुअली मौसी सब्जी तोड़ के लाई है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर मम्मी और चाची किचन में बना रहे हैं पूड़ियाँ, और चाची ने देखे बनाए हैं। वाह,
इन्हें हमारे हर पवित्र अवसर पर मनाया जाता है। ये हैं सिंगल पुए और ये मम्मी बना रही है खजूर। ये इतनी मोटी पूरी है मम्मी, ये रूट है। चाची बनाओगी क्या अभी कोई? ये चाची बना रही है, ऐसे बनाते हैं। चाची इसमें क्या क्या मिलाया आपने? इसमें सूजी चीनी घी दही दूध। इसको बनाने का भी बहुत बड़ा मजा है। तो ये जो सिंगल है ये हर किसी से नहीं बन पाते हैं, ये बहुत टेस्ट से बनते हैं। ये डालना बहुत कठिन होता है इनको शेप। तेल ये सरसों का है या रिफाइंड का? रिफाइंड अभी रिफाइंड का डाला, लेकिन पहले के ज़माने में सरसों का डालती थी। पहले ज़माने में घी डालती थी, घी में बनाते थे। पहले ज़माने में घी में तलते थे सारा। क्यों? और ये अभी हमने गैस में बनाया है, जबकि ये रियल में बनते हैं उसमें चूल्हे में। एक बार हम इसको पलटते हुए देख लेते हैं। क्या बात है। तो अभी हम इसका भोग लगाएंगे भगवान जी को। और मौसी आप चाय बना दोगे ना हमारे? जिद्दा ने पेस्ट वगैरह कर लिया है। ताऊ जी और चचा वहाँ बैठे हैं, अब हम भी नहा लेते हैं।